अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम फालसे का शरबत बनाएंगे। हमने 250 ग्राम फालसे में 1 कप पानी डाल के इन्हें सॉफ़्ट होने तक पकाना है, जब तक कि फालसे सॉफ्ट ना हो जाएं। दूसरे फ्लेम पे हमने 1 कप पानी में 1 कप चीनी डाल के शुगर सिरप बनाना है। इतनी देर तक पकाना है कि शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके बबल्स ख़त्म हो जाएँ। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। जिन लोगों को फालसे खाना नहीं पसंद, फ्रूट्स नहीं पसंद, वो इस तरह से जूस बना के पी सकते हैं। हेल्दी भी है और टेस्टी भी। ये देखिए, हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया है, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, इसमें बबल्स बन गए हैं। अब हम बस 2 मिनट में इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने जो दूसरे चूल्हे पे फालसे रखे थे, हमारे फालसे भी अब तक सॉफ़्ट हो गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम इनका फ्लेम भी ऑफ़ कर देंगे और अब हम इन्हें कर लेंगे ब्लेंड। इन्हें ब्लेंड करके इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है कि बिल्कुल इनका पल्प सा रेडी हो जाए। उसके बाद हम इन्हें स्ट्रेन करेंगे किसी भी छन्नी में, बड़ी छन्नी लेके इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें कि ताकि इसका सारा सॉफ्ट पल्प हमारे पास आ जाए और बीज सारे अलग हो जाएँ। देखिए, बीज इसके अलग हुए हैं, हमारे पास एक बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा पल्प आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इस पल्प को जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था उसमें ऐड करना है। हमने शुगर सिरप का फ्लेम दोबारा ऑन कर दिया है। अब हम इस पल्प को शुगर सिरप में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाएंगे। बॉयल आने के बाद हमने इसमें उसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। जब तक इसको पकाना है, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। उसके बाद इसकी आँच को हमने हल्का कर देना है, इसके फ्लेम को लो कर देना है। ये देखिए, इसमें बबल्स होना स्टार्ट हो गए, इसमें बॉयल आने वाला है। इसमें जैसे ही बॉयल आएगा हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। ये देखिए, इसमें बॉयल आने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नज़र आएगी आपको, इस तरह से ये होगा। अभी हमें इसे और थिक करना है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और इस स्टेज पे आके हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट का ऐड करेंगे। ब्लैक सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस रेसिपी में, सारा टेस्ट ही उसी चीज़ का होता है। ये हमारा फालसे का शरबत रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा ठंडा सर्व करें और वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।